मेरा नाम रजनीश कौशिक है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी और प्रवक्ता हूँ। आज का जो कार्यक्रम, आज जो प्रदर्शन रखा था, केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले झुग्गी वालों को आश्वासन दिया था कि जहाँ झुग्गी वहीं हम मकान देंगे। तब क्योंकि वोट लेनी थी, गरीबों की वोट लेनी थी, झुग्गी वालों की वोट लेनी थी, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और दोबारा से भाजपा केंद्र सरकार में दोबारा से जीत के आ गई और दोबारा से सरकार बनाने के बाद में वो झुग्गी वालों को और गरीबों को भूल गई, तो अब केंद्र सरकार उनको उजाड़ रही है और उनकी झुग्गियों को तोड़कर, और ये कह रही है कि आपको हम दूसरी जगह मकान देंगे। ये भी एक उनका झूठा आश्वासन है, क्योंकि उनको वहाँ से हटाने के बाद मकान भी नहीं दिए जाएंगे। तो इसी मुद्दे को लेकर आज केंद्र सरकार के खिलाफ, एलजी के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, धरना, और ये प्रदर्शन आगे भी और आगे बढ़ाया जाएगा और इस आंदोलन को हम बार बार। एलजी साहब का नाम क्यों ले रहे हैं सर? देखिए, एलजी साहब का नाम इसलिए ले रहे हैं हम, क्योंकि दिल्ली में पहले हाई कोर्ट ने आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि दिल्ली का जो बॉस है वो मुख्यमंत्री है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी लगभग एक साल पहले दोबारा से संसद में बिल लाकर और उस कानून को बदल दिया और फिर से एलजी को दिल्ली का बॉस बना दिया। एमसीडी की क्या भूमिका है? देखिए, क्योंकि एलजी जब दिल्ली के बॉस हैं और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के आदेशानुसार झुग्गियों को उजाड़ा जा रहा है, झुग्गी वालों के मकानों को तोड़ने का फरमान जारी किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी की साजिश है इसका मतलब ये? जी, मोदी जी की और पूरी केंद्र सरकार की ये साजिश है, क्योंकि केंद्र सरकार झुग्गी वालों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, क्योंकि झुग्गी वालों ने, दिल्ली के गरीबों ने, दिल्ली के मध्यम वर्ग ने आम आदमी पार्टी को लगातार 3 बार चुना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई और अब दिसंबर महीने में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया, उसका बदला ले रही है केंद्र सरकार और मोदी जी और एलजी के माध्यम से, एलजी को मोहरा बनाकर बदला लिया जा रहा है। कोर्ट ने तो सर उनको बोल दिया ना, आप बताइए, कोर्ट ने तो उनको जी बोल दिया ना सर? मैं तो उनको बोला है ना। मैं पहले अपना नाम बता दूं, परिचय बता दूं, संजय गुप्ता, पूर्वी दिल्ली लोकसभा उपाध्यक्ष, किरायेदार विंग और नी कोंडली, कोंडली से मंडल परिवार। बताइए, एलजी साहब सब तोहमत लगा रहे हैं, एलजी साहब क्या है जो? पहले तो मैं ये बता दूं, जो गरीबों को 2,66,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना थी, सबसे पहले उन्होंने वो काम किया बंद करने का जो मिलते थे। आज वो झुग्गी में भी नहीं रहने दे रहे गरीबों को, आज उसकी झुग्गी भी उजाड़ रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, एलजी साहब और भाजपा सरकार ये चाहती है कि दिल्ली में गरीब ना रहे, झुग्गी में गरीब ना रहे, जो 2 रोटी खा रहे हैं वो भी ना रहे। एमसीडी की क्या भूमिका है? एमसीडी की क्या भूमिका है सर? भाजपा चाहती है, भाजपा चाहती है, उन्होंने पहले बोला था कि जहां झुग्गी वही मकान, वो योजना लाए, वो भी उन्होंने, भाजपा ने खत्म कर दी, मोदी जी ने खत्म कर दी, वो उस योजना को भी बंद कर दिया उन्होंने। मकान दे तो रहे सर, कालकाजी में उन्होंने मकान बनाया, किसको दिया, कहाँ दिया, है कोई ऐसा आदमी जो दिखाए कि भाई मोदी जी ने मकान दे दिया? नरेला में भी तो दे रहे ना मकान, कुछ भी नहीं दे रहा, उसके बदले पैसे भी तो ले रहे हैं जी, जीरा है वो फ्लैट। और नरेला में मेरा खुद का काम, वो कहाँ दे रहे हैं, खाली पड़े हुए मकान, किसी को नहीं दे रहे। आज पानी की बौछार करी, इसके बारे में ये देखो सर, पूरा पानी से भीजे हुए हैं, उन्होंने इतना पानी से जो जनता आई, गरीब लोग आए, बच्चे आए, महिलाएं आई, उनके साथ इतना, मतलब इतना वो किया कि पानी की बौछार है, मतलब आप आंदोलन भी नहीं करने दोगे? और एक आम आदमी पार्टी है जो जनता के साथ है, गरीबों के साथ है, हर समाज के साथ है। तो आप लोग आंदोलन करते हो, इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो आगे क्या करोगे? हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, ये भाजपा जितना भी हम पे अन्याय करेगी, जितना भी वो करेगी, हम सहेंगे और गरीबों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है और वो लड़ती रहेगी गरीबों के लिए। और तो केजरीवाल जी क्यों नहीं आ रहे हैं आगे? आ तो रहे हैं, उनके सिपाही आ तो रहे हैं, केजरीवाल के ये हर आदमी आ तो रहे हैं, उनके
सरकार आ रही है, हर आदमी है, हमारे नेता है, उनका कार्यकर्ता आ रहा है, एक एक कार्यकर्ता। उनके बिहाफ पे हम लोग पार्टी के जो सीनियर नेता है आदिल भाई है और हमारे जो विधायक है वो आज यहाँ पर आए हैं, हमारे उनके नेतृत्व में प्रवक्ता आ रहे हैं, आज ये प्रदर्शन और ये आज ये प्रदर्शन रखा गया। केजरीवाल जी हर जगह नहीं जा सकते क्योंकि पार्टी का विस्तार हो गया है, पार्टी पूरे देश भर में अपना विस्तार धीरे धीरे कर रही है, इसलिए यहाँ पर मोर्चा संभाला है दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, जिनमें आदिल भाई हैं, जिनमें हमारे सोमनाथ भारती जी हैं और हमारे और विधायक हैं जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से आए हैं, पार्टी के अन्य नेता हैं। हम लोगों ने आज गरीब आदमी ही वोट देता और गरीब आदमी त्राही त्राही करता है। देखिए तो ये सवाल तो आप एलजी साहब से पूछिए ना, बीजेपी से पूछिए, वोट तो आप लोग देते हैं ना सरकार, बीजेपी से पूछिए। बीजेपी ने उनका वोट ले लिया 2019 में, 2019 में वोट लेना था तो कहा कि जहां झुकी वहां मकान देंगे, उनको झूठे सच भाग